हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आया हूँ जो है ऑल न्यू फोर जनरेशन किया कार्निवल की, जो कि इंडिया में कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाली है। ऑटो एक्सपो पे हमने आपको इसे दूर दूर से दिखाया था क्योंकि उस टाइम ये बिल्कुल गाड़ी क्लोज करी हुई थी उन्होंने, लेकिन आज हम आपको पूरी कंप्लीटली रिवील करके दिखाएंगे इंटीरियर में क्या, एक्सटीरियर में क्या है, क्या फीचर्स आने वाले हैं, कौन सा इंजन ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर जो फीचर्स हैं बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल आएंगे, यानी कि जितने फीचर लैंड क्रूजर में अवेलेबल नहीं है वो सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इतने फीचर रिच ये गाड़ी रहने वाली है। सो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो ये है न्यू कीज़, जो कि आपको सेल्टोस में भी आपने देखी कि सेम कीज़ आपको मिलती है, वही सेम कीज़ आपको न्यू कार्निवल में भी मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे टेलगेट ओपन करने का बटन आपको मिल जाता है। साथ ही में यहाँ से आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं होल्ड के बटन से, और लेफ्ट डोर और राइट डोर को आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जो दोनों डोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। इवन आगे से भी हम डोर्स को ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं ऑटोमेटिकली डोर्स को ओपन करने के। सो ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। मल्टीपल कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वाइट, सिल्वर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, मल्टीपल कलर्स अवेलेबल रहेंगे, रेड कलर ऑल्सो एंड डुअल टोन कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप फ्रंट में देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम मेश ग्रिल दी गई है जो कि बहुत ही स्टनिंग लग रही है। सेंटर में यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है, 360 कैमरा आपको मिलेगा। और ये है हेडलैम्प का सेटअप, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ग्लास नहीं है हेडलैम्प के यहाँ पे, तो ये बिल्कुल क्लीन ऐसे हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। यहाँ पे ट्विन प्रोजेक्टर दिए गए हैं लो बीम के लिए, ये वाले यहाँ पे जो प्रोजेक्टर्स हैं ये हाई बीम के लिए दिए गए हैं जो कि ग्रिल में आपको देखने को मिल जाते हैं। और बहुत ही पावरफुल यहाँ पे हेडलैम्प सिस्टम है, कुछ ऐसे आपको डेटाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी दोस्तों। और साथ में यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो LED फॉग लैम्प, डुअल पैनल आपको मिलेगा, अगेन डुअल एलिमेंट। और फ्रंट में यहाँ पे कंप्लीट पार्किंग सेंसर अवेलेबल है। यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलती है, बेसिकली एल्युमिनियम लाइक फिनिश देती है, मैट क्रोम फिनिश यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे नीचे की साइड आपको मिल जाती है। एंड यू कैन सी द ओवरऑल लुक ऑफ द कार, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रही है। एंड साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साइड प्रोफाइल जो कि बहुत ही लॉन्ग है। एंड कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही बिग साइज़ के यहाँ पे डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं। 235/55 सेक्शन टायर दिया गया है। एंड यू कैन सी तो ये है R19, यानी कि 19 इंचेस के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं दोस्तों। साथ ही में ORVM के नीचे कैमरा आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो डोर हैंड्स है इसके अंदर यहाँ पे लाइट है, जो कि मैं आपको जब इंटीरियर में जाऊँगा तब दिखाऊँगा कैसे ग्लो करती है इसके अंदर की लाइट। एंड यहाँ से आप डोर ओपन कर सकते हैं। वी हैव गॉट बिग साइज रूफ रेल्स, डुअल सनरूफ, साथ ही में यहाँ पे वही फिनिश आपको मिल जाती है, मैट क्रोम फिनिश। और बात करते हैं रियर के बारे में अब। सो ये है रियर लुक दोस्तों। और रियर प्रोफाइल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही क्लीन, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दी गई है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और काफ़ी अच्छा ये लुक ऑफ कर रही है, बहुत ही डिसेंट लुक ऑफ कर रही है। कनेक्टिंग यहाँ पे आपको टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, LED टेल लैम्प, सेंटर में किया की बैजिंग। रियर में आप देख सकते हैं डिफॉगर दिया गया, वाइपर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा क्लीन डिज़ाइन करा गया। वाइपर बेसिकली ऊपर की साइड है यहाँ पे, तो यू कैन सी वहाँ पे वाइपर आपको मिल जाता है। रियर में शार्क फिन एंटेना है, स्पॉइलर दिया गया, स्पॉइलर एडजॉइनिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, एक्सटेंशंस। एंड रियर में अगेन क्रोम फिनिश, रिवर्सिंग लैम्प, कार्निवल की बैजिंग। और यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन होगा, हेलोजन लाइट्स फॉर द लाइसेंस प्लेट। और यहाँ पे हम इससे क्लोज कर सकते हैं, इससे हम क्लोज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, एमरजेंसी एग्जिट मिल जाती है। और ये है बूट स्पेस। तो जो ये थर्ड रो सीट है गाइस, ये कंप्लीट एक फ्लैट फोल्ड में भी हो जाती है, तो एक फ्लैट बेंच भी बन जाता है रियर में, साथ ही में जो कि अभी भी बन जाता है, आपको पता ही है ऑलरेडी। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है। और साथ में वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा स्टोरेज एरिया दिया गया है, ऊपर की साइड भी, यहाँ पे नीचे की साइड भी स्टोरेज एरिया मिल जाता है। इसको उठाते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे चोर स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज एरिया अवेलेबल है। और यहाँ पे रियर में भी एक LED लैम्प आपको मिल जाएगा देखने को। साथ में इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स सारी अवेलेबल हैं, वी हैव गॉट ADAS, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मिल जाता है, मल्टीपल एयर बैग्स अवेलेबल हैं, ABS विद EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड
इंजन ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। इंटीरियर में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, आप शौक हो जाओगे। इंटीरियर में इतने फीचर्स और इतने यूनिक अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। तो ये है इंजन। सो यहाँ पे आप जो V6 की बैजिंग देख रहे हो, आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे इंडिया में आपको सेम कॉन्टिन्यूड इंजन ही मिलेगा, जो है 2.2 लीटर BS6 फेस टू कंप्लायंट डीजल इंजन। तो वही आपको इंजन देखने को मिलेगा विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो इंजन में ऐसा यहाँ पे कोई चेंज नहीं करा जा रहा। और फाइनली गाइस चेक करते हैं इंटीरियर्स। सो आप गाइस चेक करते हैं इंटीरियर्स। कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कीज़ मिलती है जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ऑटो फोल्डिंग ORVMs अवेलेबल हैं, एंड इवन यहाँ पे भी जो लाइट है वो ग्लो होती है जैसे हम कार को अनलॉक करते हैं। सो यू कैन सी, मैं इसको लॉक करता हूँ तो लाइट ऑफ हो जाती है, अनलॉक करा तो लाइट ऑन हो जाती है, जो कि यहाँ पे फ्रंट डोर्स में होगी, इधर नहीं होती। और ये नाइट में बहुत ही सही लगता है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे इजी एंट्री एंड एग्जिट अवेलेबल है, तो जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे गाड़ी का, जब एग्जिट करने लगेंगे तो सीट ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगी ताकि आप आराम से निकल सकें। एंड जैसे ही अब यहाँ पे अभी पीछे है सीट, आप बैठेंगे, स्टार्ट बटन आपने प्रेस करा, सीट अपने आप आगे हो जाएगी आपकी एक्चुअल पोजिशन पर। तो ये है इंटीरियर्स के लुक। बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इवन यू कैन सी, ये है एम्बिएंट लाइट। ऐसी एक्चुअल में एम्बिएंट लाइट है जो कि आपको सब जगह देखने को मिलेगी। सो डुअल टोन इंटीरियर्स दिए गए हैं, ऊपर ही साइड भी आप देख सकते हैं। प्रॉपर सॉफ्टश लेदर यूज़ करा गया। सेंटर में स्पीकर है और ये है फ्रंट डोर। तो पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी जगह यूज़ करा गया। एंड जो डोर्स भी हैं बहुत ही हैवी मिलते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज है, तो लेदर का काफ़ी अच्छा यूज़ करा गया है। देन ऑल दीज बटन्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ऑल फोर पावर विंडोज़, ऑटो अप और ऑटो डाउन आपको मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे बोस के स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, रिफ्लेक्टर्स और यहाँ पे जो है फ्रंट में दो मेमोरी फंक्शन मिलते हैं आपको। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट दी गई है, लंबा सपोर्ट भी इवन फोर वे आपको मिलेगा। एंड ये है फ्रंट लेदर सीट्स, रियर में सनरूफ, फ्रंट में सनरूफ, दोनों जगह सनरूफ अवेलेबल है। और यहाँ पे भी आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे लेन कीप असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, यहाँ से जो है आप रियर डोर्स को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। और ये है पावर ऑन ऑफ, इसको क्लोज करते हैं। साथ ही में गाइज यहाँ पे ये है फ्रंट आर्मरेस्ट, काफ़ी बिग साइज की आर्मरेस्ट है। अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया है। और कुशन आर्मरेस्ट दी गई है, फिक्स्ड आर्मरेस्ट, यहाँ पे भी कुछ स्पेस आपको मिलता है। और यहाँ पे फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। लुक एट द फिट एंड फिनिश गाइस, गियर नॉब देखो, इतनी बढ़िया गियर नॉब है। और सारे बटन्स यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में, मेटल फिनिश के बटन्स हैं यहाँ पे। सो फ्रंट में कूल्ड सीट्स, पार्किंग सेंसर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम पार्किंग कैमरा देख सकते हैं, रियर पार्किंग कैमरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 360 कैमरा है बेसिकली, तो 360 आपको सराउंड व्यू यहाँ पे मिल जाता है, टॉप डाउन व्यू, फ्रंट व्यू, यहाँ पे ORVM के नीचे का व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर 360 कैमरा दिया गया, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बटन्स ये फील हो रहे हैं, मेटल बटन्स। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, मोबाइल होल्डर सेंटर में, साथ में यहाँ पे ड्राइव मोड्स, तो इको, स्पोर्ट एंड स्मार्ट मोड। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्लस्टर है वो भी चेंज होता है। और साथ ही में यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, एक USB चार्जर, एक USB पोर्ट आपको मिलेगा और एक और USB चार्जर दिया गया। तीनों जो हैं वो एल्यूमिनेटेड हैं। और इतना बड़ा कंसोल है गाइस, इतना खुला डुला यहाँ पे आपको कैबिन मिलता है। एंड यहाँ पे वुडन टचेस भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए। और ये है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, डुअल जोन AC मिलेगा, रियर AC भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही में ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं, जो कि कार रेंज में और
न्यू सेल्टॉस में अवेलेबल है, इनबिल्ट नेविगेशन दी गई है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको वायरलेस यहाँ पे मिल जाता है, रियर एसी यहीं से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोड जो है आप चेंज कर सकते हैं, सब कुछ यहीं से ऑपरेट हो जाता है, मीडिया यूएसबी, रेडियो, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सभी को ये सपोर्ट करता है, साउंड ऑफ नेचर भी आपको मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड बोस का सिस्टम अवेलेबल है, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स, फ्रंट में मल्टीपल यहाँ पे ट्विटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सेंटर स्पीकर है, देन यहाँ पे सब वूफर भी है एम्पलीफायर के साथ। और गाइस ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक, तो स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाएगी, किया की बैजिंग एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो MID कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल्स हैं, इस साइड पेडल शिफ्टर्स, इस साइड आप देखेंगे तो सारे ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये पेडल शिफ्टर्स अगेन, एंड यहाँ पे फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पे सेम जो भी आप यूज़ करेंगे हेडलैम्प यूज़ करें या फिर वाइपर, कंप्लीट आपको मोड का पता चल जाएगा कौन से मोड पे आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से यू कैन एडजस्ट द स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे फुल डिजिटल क्लस्टर मिलेगा गाइस, जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, एंड डिफरेंट यहाँ पे आपको मोड्स मिलेंगे तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ड्राइव मोड के अकॉर्डिंग थीम चेंज हो जाता है, वैसे भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे DPMS, देन यहाँ पे अटेंशन असिस्ट जो मिलता है अटेंशन लेवल चेक करने के लिए, ADAS के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT, आउटसाइड टेम्परेचर, डिस्प्ले और टर्न बाई टर्न नेविगेशन, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही बिग साइज ग्लव बॉक्स दिया गया है और अंदर एक लैम्प भी है, और साथ ही में यहाँ पे पावर विंडो आपको मिलती है, सारी पावर विंडोज़ वैसे एल्यूमिनेटेड है, और यहाँ पे आपको डोर लॉक स्विच भी मिलेगा, तो यहाँ से भी आप चाहें तो सारे डोर्स को लॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, इसके पीछे सारे ADAS के सेंसर्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसर्स वो सब दिए गए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट में LED लैम्प्स, साथ में सनरूफ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो सनरूफ यहाँ पे दिए गए हैं यू कैन सी, और यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लाइट, हेलोजन लाइट, और इधर भी आपको लाइट मिल जाती है। आप जो करते हैं रियर डोर, सो रियर के डोर को यहीं से ओपन करते हैं, सो यू कैन सी, तो ये है गाइस रियर सीट्स की लुक, 3 यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है, और साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से भी हम डोर को क्लोज कर सकते हैं, उधर भी सेम बटन दिया गया, एंड डोर भी आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, वहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, पावर विंडो कंट्रोल्स, रियर में यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है काफ़ी अच्छी खासी, यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, और यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस। ये है सेंटर सीट जो कि बेसिकली आर्मरेस्ट में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ तो ये आर्मरेस्ट में कन्वर्ट हो गई, जिसमें यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर्स हैं, ट्विन मोबाइल होल्डर्स हैं, और अब इसको क्लोज कर देते हैं अपने वाले डोर को, यहाँ पे भी बॉटल होल्डर, स्पीकर्स, एम्बिएंट लाइट, रियर मैनुअल सनशेड दोस्तों, और साथ ही में यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है, कोट हैंगर, ऊपर की साइड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं AC वेंट्स, और यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में LED लाइट अवेलेबल है, सनरूफ का कंट्रोल, तो सनरूफ यहाँ पे रियर में भी दी गई है जो कि फ्रंट से काफ़ी बिग साइज़ की है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो AC कंट्रोल्स, तो ये हैं AC की कंट्रोल्स रियर के, तो यहाँ से आप टेम्परेचर भी इवन एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम कैबिन कर दिया गया है, बहुत कुछ यहाँ पे डिफरेंट करा गया, और साथ ही में गाइज ये है रियर सीट्स, यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, USB चार्जर्स, यहाँ पे भी ट्विटर्स दिए गए हैं, AC वेंट और ऊपर लाइट, इस साइड भी सेम, रियर में आपको कैबिन लैम्प मिल जाता है, काफ़ी सारे कैबिन लैम्प दिए गए हैं बेसिकली, एंड डोर को इवन मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, मल्टीपल तरीके से जो डोर है वो ओपन हो जाता है। और अब थर्ड डोर दोबारा चेक करते हैं अच्छे से, तो सीट ऐसे स्लाइड हो जाएगी दोनों, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इधर से या फिर उधर से। ये है रियर सीट्स, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट रियर में मिलती है, बॉटल होल्डर्स,
चार्जर्स, रियर में भी इवन सनशेड दिया गया दोस्तों। तो मैंने शायद कोई गाड़ी ऐसी देखी होगी जिसमें रियर में भी थर्ड रो में सनशेड आपको मिले, तो यहाँ पे ये दिया गया, बहुत ही यूनिक फीचर है। उधर भी अवेलेबल है दोनों साइड, और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी मिलती है, तो यहाँ पे भी आर्मरेस्ट अलग से दी गई है, वहाँ पे भी आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये न्यू जनरेशन किया कार्निवल, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये लॉन्च होने वाली है।